नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक औरत अगर कर रही हो ये एक काम तो अंधे हो जाना या अपनी आंखें बंद कर लेना, लेकिन ये पाप कभी मत करना, क्योंकि यमराज देते हैं कठोर सजा। इसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, परंतु जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं उनको भुलाया जा सकता है, और जो गलतियां जानबूझकर की जाती हैं वो क्षमा के योग्य नहीं होती, उन गलतियों की सजा अवश्य मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे पाप के बारे में बताने वाले हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और ये पाप इतना बड़ा होता है कि मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक अत्यंत भयंकर पाप के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं नहाती हुई स्त्री के संबंध में। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग स्नान करती हुई स्त्रियों को निहारने लगते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो चरित्रहीन होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापाप का भागी होता है। औरत को स्नान करते हुए देखने वाला व्यक्ति सबसे भयंकर पाप करता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलती है। दोस्तों, यदि ये गलती आपसे अनजाने में हो गई है तो कोई बात नहीं, ईश्वर इसको माफ कर सकता है, लेकिन ये गलती अगर आपने जानबूझकर की है तो आप माफी के हकदार नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में यमराज ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म बड़ी ही निर्धनता से गुजरता है, इसलिए आप ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।